हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 3 बजने वाले हैं, मैं अभी तक सोया नहीं हूँ, नींद ही नहीं आ रही। 1 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ एक्साइटमेंट के मारे, बिकॉज सुबह सुबह 5 बजे हमको जाना है राइड पे, उत्तराखंड निकलना है। तो वही सोच सोच के पता नहीं नींद आई, बहुत एक्साइटमेंट सी हो रही है। तो मैं रात भर अभी तक सोया ही नहीं हूँ। तो अभी 3 तो बजने ही वाले हैं, 4 बजे मुझे उठना था, फिर 5 बजे तक रेडी होकर निकलना था। अभी 1 ही घंटा बाकी है और नींद अभी तक आंखों में बिल्कुल भी नहीं है। और शाम तक हम हल्द्वानी पहुंच जाएंगे, तो यही प्लान है फिलहाल। तो वही थोड़ा डर लग रहा है मुझे कि बिना सोए राइड किस तरह से करूंगा मैं। तो मैंने सोचा नींद तो आ नहीं रही, व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, 5 बजे की बजाय 3 बजे स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा अपडेट दे देते हैं कि बिना सोए हमारी राइड स्टार्ट होगी, क्योंकि अब 1 घंटा तो बाकी है, 1 घंटा क्या ही सोऊंगा। तो अभी सुबह के 4:13 हो गए, पापा जी भी आ गए। उनके पापा जी डेली उठते हैं सुबह 4 बजे, क्योंकि मोटर चलानी होती है ना, पानी आता है सुबह सुबह, तो पापा जी तो डेली सुबह 4 बजे। और ये भी उठ चुका है फिलहाल, अभी मैं रेडी होता हूँ और 5:30 तक निकल लेंगे। 5 बजे का प्लान था वैसे तो। पीयूष तो अपना मस्त कूलर में सोया हुआ है फिलहाल, अभी ओरियो भी यहीं आ गया। पीयूष जी चलना नहीं है क्या? सही, मैंने तो नहा लिया है फिलहाल, अभी पीयूष नहा रहा है। बट एक प्रॉब्लम हो गई है, मैं पारस भैया को कॉल कर रहा हूँ और उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं वो आराम से सो ना रहे हो, मैं तो रात भर सोया नहीं हूँ और वो आराम से कहीं सो ना रहे हो। क्योंकि अगर हम सुबह सुबह ठंडे में निकल ले तो ठीक रहेगा, दिन में तो धूप आ जाती है ना, सारे प्लान पे पानी ना फिर जाए, ये डर लग रहा है बस। फिलहाल चलो जो भी, मैं तो रेडी होता हूँ। पारस भैया का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, अब क्या करें? सोया होगा बेटा, सोया होगा यार। मम्मी वो 5 बजने वाले हैं, 5 बजे तो निकलना था हमको। निकलना था तो हम नहीं आया था, हम क्या करेंगे? अब कर क्या रहे हो? अरे वाह, मम्मी जी ने बाइक में जुगाड़ लगा दिया है ताकि हमको दिक्कत ना हो लॉन्ग टूर पे। वाह, मम्मी ने छोटा तौलिया टाइप का गुदगुदा सा रख दिया यहाँ पे, पीयूष के लिए तो पिल्लो ही रख दिया। वाह, अली चलेगी। अरे पीयूष को बिठा के देख लो इसके ऊपर एक बार, उसको अगर कंफर्टेबल लगता है तो ठीक है, अदरवाइज रहने दो। बाकी ये तो ठीक है, ये ठीक है, ये तो बढ़िया है ना, ये बढ़िया है, ऐसे पूरा होता ना। तो अभी टाइम हो गया 5:19 और उजाला हो चुका है अच्छे से, बादल ही बादल हो रहे हैं, मस्त मौसम हो रहा है। बट पारस भी अभी तक फ़ोन नहीं उठा रहे, मैं कंटिन्यूसली उनको कॉल करे जा रहा हूँ, मैंने 50 से भी ज़्यादा कॉल कर दिए हैं। और मम्मी यहाँ पे सुबह सुबह 5 बजे हमारे लिए परांठे बनाने लगे, पनीर के परांठे। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। मम्मी पीयूष कहाँ गया? मम्मी पीयूष नहाने नहीं गया था? पीयूष सो गया। सो गया? तो पीयूष तो यहाँ पे रेडी होके अपने कपड़े वपड़े डाल के सो चुका है। अरे सही है यार, ये तो अपनी सही नींद पूरी कर रहा है। तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद इतनी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। यूजली मैं 9-10 बजे तो उठता था, उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट और लंच मेरा एक साथ होता था। बट मेरा पोपट होते हुए दिख रहा है मुझे, क्योंकि अभी तक तो हमको निकल जाना चाहिए था, 5:30 हो चुकी है। तो फाइनली पारस भैया ने फ़ोन उठा लिया और अब उनसे बात ये कह रहे हैं कि आधे घंटे में मैं आ जाऊँगा रेडी होके। अभी अभी उठे होंगे ना वो, 5:30 बज रहे, तो 6:30-7 मुझे नहीं लगता कि 7 बजे से पहले हम निकलेंगे। मतलब हम 2 घंटे लेट हैं, पूरे 2 घंटे। मैं रात भर सोया नहीं हूँ, वो अपनी नींद ले रहे थे अच्छे से, कह रहे अभी उठाऊँ मैं। तो मेरा ब्रेकफास्ट तो हो गया है और पापा जी अपना मस्त अभी योगा कर रहे हैं। बैग बहुत भारी हो गया मम्मी, पीयूष से पकड़ा नहीं जाएगा। आपने कपड़े डाल दिए पीयूष के? नहीं है बाबू, कपड़े तो 2-3 टी-शर्ट है उसके, बस हो गया। देख ले पैंट, पकड़ना पकड़ना एक बार। ये और चीजें हो रहा है तेरा? और क्या है, लैपटॉप ही तो है एक। 2-3 वो है उसकी बस। और ही उठा के देखियो, बहुत भारी है, और ही उठाइयो। तो बाइक को कुछ ऐसा बना दिया मम्मी जी ने, थोड़ा जुगाड़ लगा के मेरे लिए और पीयूष के लिए, ताकि हमको दर्द ना हो बम में। पीयूष जी उठ जा, पारस भी आ रहे हैं बस थोड़ी देर में, उठ जा उठ जा। बाइक में वहाँ ठंड लगेगी तो इसको डाल लेगा। वैसे इतना भारी हो रहा है, 3 चीजें और ले आया, सब डाल दूँ मम्मी। बाइक में नहीं ले आ जाती, नहीं ले आएगी तो ले जानी पड़ेगी, क्यों करी बाइक का, मत करो यार मम्मी। तो फिलहाल जाने से पहले मत्था टेक लेते हैं, भगवान जी को प्रणाम कर देते हैं, हमारी राइड सक्सेसफुल रहे और हमको फुल मजा आए। पीयूष के लिए मम्मी ने सही जुगाड़ करा, बैठ के देख कैसा लग रहा है। ये ले रखिए भाई, गिरा मत दियो लैपटॉप है इसमें, बिल्कुल टाइट कर ले बिल्कुल। इसमें मतलब फायदा ये होता है कि पीयूष छोटा है ना, तो इतनी जगह बची रहती है, तो यहाँ पे बैग। तू 100 रुपए आपको ऐसे पकड़ लियो, ये सीट पर लगा ली। अरे हाँ मेरे को पकड़ लियो, मैं आगे बैठूंगा यहाँ पे, सही है भाई, दोनों अपन छोटे हैं ठीक है। तो अभी सब कुछ रेडी है, बाइक रेडी है, हेलमेट रेडी है, बैग रेडी है, बस अब पारस भैया का इंतजार है। मैंने कहा था कि 7 बजे तक आएंगे, बट 7 बज चुके हैं पूरे के पूरे, अभी तक नहीं आए। देख हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। हम 4 बजे से उठे हुए हैं, मैं तो रात भर सोया नहीं, मैं रात भर नहीं सोया। पागल बाइक क्या चला गए पूरा दिन? नहीं वैसे ही नींद नहीं है मेरे को। तो फाइनली पारस भी आ गया, 2 घंटे लेट हैं पूरे। बाइक आराम से चलाना। बाइक तो आराम से चलाऊंगा, पूरे 2 घंटे लेट हो आप। अभी तक हम पता कहाँ पहुँच जाते। अभी तक हम -100 पे पहुँच जाते पता है। हम लेट हो गए, चलो चलो।